नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में देश की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के अभिभाषण पर ग्राम सभा भरतपुर के ग्राम प्रधान सुनिनी साध के द्वारा आयोजित किया गया संगोष्ठी में पहुंचने के उपरांत कार्यकर्ताओं ने सांसद कमलेश पासवान का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान सांसद कमलेश पासवान ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। वैसे भी भाजपा सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा समाज में सबसे पिछड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों और सभी जातियों के लोगों के लिए उनके संपूर्ण विकास के लिए कार्य करती है। ज्ञातव्य हो कि 9 सालों में भाजपा के शासनकाल में योगी व मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भाजपा के शासनकाल में हर व्यक्ति प्रसन्न और खुशहाल है। आज से 10 साल पहले जहां गांव में हर तरफ झोपड़ी दिखाई दे रही थी, आज योगी और मोदी के शासनकाल में सबके पक्के मकान बन रहे हैं। सबको माह में 2 बार सरकार खाने के राशन दे रही है। इसके पूर्व ग्राम प्रधान भरतपुर के सुनील निषाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ अंशों को पढ़कर लोगों को सुनाया। इसके अतिरिक्त सरदार नगर ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधि हरेंद्र यादव और भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी गोरखपुर राजकुमार गुप्ता ने कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लोगों को पढ़कर सुनाया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सरदार हरेंद्र यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जरगावा सुनील पासवान, धनंजय सिंह कौशिक, ग्राम प्रधान मैनेजर पासवान और नारायण जायसवाल, योगेंद्र जायसवाल, अजय सिंह, समाज सेवी लवी जायसवाल, ब्रह्ममल आशीष यादव, भोला पासवान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से न्यूज नाइन भारत के लिए विनोद पासवान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।